जब मेरी अम्मी ने मेरी यह हालत देखी कि मैं रात भर जागता हूँ और हर किसी के साथ गुस्सा करता हूँ, तो उन्होंने मेरे अब्बू को बताया। तो मेरे अब्बू फिर मुझे एक माहिर नफ्सियात के पास ले गए। माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो बातों के साथ इलाज करते हैं। जब मैं थेरेपिस्ट के पास गया तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अपने ही कोई हो। मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे तंग कर रहे हैं या मतलब मेरे से सिर्फ कहानी सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बस मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त की तरह मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत बातें की हमने, वो जो सवाल पूछते थे मैंने उनका जवाब दिया। उनकी बातों से, सवालात से मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे कोई गैर है या फिर मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे उनकी बातों से बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। मैंने उससे अपने दिल की बातें शेयर की और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। वो मेरे से बहुत बातें करती थी और मेरा भी दिल चाहता था उनसे बात करने का। उन्होंने बहुत बातें मुझसे पूछी और मैंने उन्हें बताई। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन मुझे दी और कहा कि इसको मतलब रेगुलर तुमने खाना है। तो मैं वो खाता तो था लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि सिर्फ मैं क्यों खाता हूँ, बाकी बच्चे हैं जो मुझसे छोटे बड़े वो क्यों नहीं खाते, सारे बच्चे ज़ाहिर है एक जैसे हैं तो मैं सबसे चेंज कर रहा हूँ। जब थोड़ी थोड़ी मेडिसिन लेना शुरू हुआ तो मैं बेहतर होने लगा। जब मैं स्कूल जाता था दोस्तों के साथ बातें करता था तो माज मेरा क्लोज फ्रेंड है वो मुझे बोलता था अब आप क्या रहते थोड़ी ठीक हो गई है, तो घर वाले भी बोलते अब अभी आप बहुत अच्छे हो गए हो। जब मुझे परेशानी या डिप्रेशन होती तो मुझे याद रहता कि मैंने दवाइयाँ खानी हैं। मैं सबसे बातें करना शुरू होगी, वापस वैसे ही होगी जैसे मैं पहले थी। मैं अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से सबसे अच्छी तरह बात करने लगी। इन दवाइयों और थेरेपिस्ट से मुझे वो चीज़ें अच्छी लगने लगी है जो मुझे पहले बुरी लगने लगी थी। मुझे थेरेपिस्ट ने बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि मेरी तरह और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस में मुब्तला हैं और बहुत ही परेशान रहते हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो भी अपने वालदैन को बताएं और थेरेपिस्ट के पास जाएं ताकि वो भी मेरी तरह नॉर्मल लाइफ में आ सके, अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा कर सके और अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त स्पेंड कर सके।